वेलकम इन्वेस्टर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 14 फरवरी 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की और देखेंगे कि डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस से हम इस स्टॉक को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये टाटा मोटर का मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है जो कि 327 से लेके तो 369 के रेंज का, ये एक मंथली सप्लाई है। और उसी के साथ इस मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो 187 से लेके 158 पे एक ब्लू कलर का रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो कि एक मंथली डिमांड जोन है। अब चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स वीकली चार्ट पे, और वहां पर देखते हैं कि किस तरीके के चार्ट पैटर्न्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये टाटा मोटर्स का वीकली चार्ट है और इस वीकली चार्ट पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं सुपर अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। इस मंथली डिमांड जोन में यहाँ पर एक वीकली डिमांड जोन भी नेस्टेड है जो कि अपने मंथली डिमांड जोन के अंदर ही है और आज की डेट में जहां पर टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है वहां से ये जो डिमांड जोन है बहुत ही नीचे है। तो इसके अभी फिलहाल जिस तरीके से मार्केट में हमें तेजी देखने को मिल रही है उसके चलते यहाँ पर प्राइस आना बहुत ही मुश्किल है। और लास्ट टू वीक का जो ट्रेडिंग सेशन रहा यहाँ पर जो मंथली सप्लाई के अंदर जो वीकली सप्लाई नेस्टेड है तो इस वीकली सप्लाई के साथ निगोशिएट और उसे पेनिट्रेट करने की कोशिश ये स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑन वीकली बेसिस पे किसी तरह का क्लोजिंग इस वीकली सप्लाई में अभी तक इस स्टॉक ने दिया नहीं है। तो अब हम चलेंगे डेली चार्ट पे और देखेंगे कि वहां पर किस तरीके का निगोशिएशन हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये टाटा मोटर्स का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट पे अगर हम रिसेंट टू लोस को कनेक्ट कर देते हैं जिससे कि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सके तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर एक डेली ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। अब जो कि यहाँ पे 233 कैंडल्स या ब्रेक हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को हटाकर थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस लो को और इस लो को कनेक्ट करके यहाँ अभी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि हमें यहाँ पे एक डेली ट्रेंड अप है वो इंडिकेट करेगा। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ट्रेंड लाइन से दूर ये स्टॉक हमें यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसा आने वाले पूरे नेक्स्ट वीक में अभी जो भी वीक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यहाँ एक साइडवेज ट्रेड होने की बहुत ज्यादा संभावना मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर देखिए ये जो एक हाई बना था और इस हाई के ब्रेकआउट पे प्राइस अपसाइड गया, लेकिन यहाँ ऑन डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है जो कि 280 पे खड़ा है, 281 से 256, एक 30 रुपीस का ये डेली डिमांड जोन का बैंड है और ये गैप अप ओपन हुआ था जैसे कि हम चार्ट पर देख पा रहे हैं। मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूं। अब जिस तरीके से मंथली चार्ट को हमने देखा, मैं फिर से मंथली चार्ट ओपन करना चाहूंगा, आप ये चीज को समझ ले। मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस 2016 में 562 पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद यहां से हम एक मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेड ही देख रहे थे और वो एक डाउन ट्रेंड चला लगभग 70 रुपीस के प्राइस तक। इसीलिए अब ऐसे स्टॉक को अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें डिमांड एंड सप्लाई को ही ट्रेड करना चाहिए, ना कि अपसाइड ब्रेकआउट को। अगर हम यहां पर इस ब्रेकआउट पे 342 के ब्रेकआउट पे अगर इसमें एंट्री लेते हैं तो वहां पे हमारे रिस्क का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कम होगा क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक प्राइस पे सप्लाई मिलेगा। इसीलिए इस स्टॉक को, ऐसे स्टॉक को अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें डिमांड जोन को ही ट्रेड करना चाहिए अगर हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो। और जैसे कि हमने देखा वीकली और डेली दोनों ट्रेंड बहुत ज्यादा अप है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे जिस तरीके से एक साइडवेज ट्रेड चल रहा है,
अगर प्राइस पलट के फिर से इस डेली डिमांड जोन में आता है जो कि 280 पे है, तो हम 280 पे आने के बाद 30 रुपीज के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में जो हमारा टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट हो सकता है 371 का, 351 और 371 का। तो यहाँ पे हमारा अगर हम 280 पे अगर बाय करते हैं इसको और 250 का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं, तो 30 रुपीज के रिस्क के साथ में हमारा जो टारगेट हो जाएगा 3 to 4 month के लिए 370 का, तो 70 and 20 मीन्स 90 रुपीज, यानी 1:2 का जो रेशियो है, सॉरी 1:3 का जो रेशियो है वो मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।